नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम शर्मा। आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर जिले में जिला मुख्यालय के पास ही एक सब्जी मंडी है। ये सब्जी मंडी इस मायने से खास है, इसका विकास किसी सरकार की सहायता से नहीं बल्कि माली समुदाय विशेष के द्वारा किया गया है। माली समुदाय ने अपने समाज के गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय के बिल्कुल करीब इस सब्जी मंडी को विकसित किया है। यहाँ पर 130 दुकानें हैं जिसमें केवल माली समुदाय के लोगों को ही सब्जी बेचने की अनुमति है। सब्जी बेचने के लिए बहुत अच्छी तरीके की दुकानों को बनाया गया है। ज़मीन से लगभग 2.5-3 फीट ऊपर दुकानदारों को बैठने सब्जी लगाने के लिए जगह बना दी गई है। दुकानदारों को हर महीने केवल 300 रुपये का किराया चुकाना पड़ता है। इसके बदले में उन्हें यहाँ सब्जी बेचने का अवसर दिया जाता है। बिजली, पानी, पंखा इत्यादि की सुविधा पूरी तरीके से मुफ्त है। आपको बता दें कि माली समाज के एक दुकानदार जगदीश ने बताया है कि उन्होंने अपने समुदाय की ओर से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए आपको बता दें कि सरकार की किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं ली गई है। उन्हें सरकार से ज़्यादा अपने समुदाय पर भरोसा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। समुदाय से ज़्यादा अपने समुदाय पर भरोसा करते हैं। समुदाय के लोग अपने समाज की गरीब बेटियों की शादी कराना, रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हर प्रबंध करते हैं। किसी सरकार से इस सुविधा को पाने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन समाज के लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सबको ये अवसर उपलब्ध कराने की जो है वो पर कोशिश भी की जाती है। कई मायने से समाज के गरीब लोगों को विकसित करने की व्यवस्था सरकार के सिस्टम से ज़रा सशक्त और असरदार साबित होती है, क्योंकि लोग पीड़ितों की समस्या या समाधान के स्वयं को जोड़कर देखते हैं, वैसे अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए ये ज़रा प्रभावशाली साबित होती है। जबकि सरकारी तंत्र में इस तरीके के कर्तव्य भाव का नितंत अभाव दिखाई देता है। बता रहे हैं कि इस प्रश्न पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं माली समुदाय से हैं। उन्हें अपने समुदाय के मुख्यमंत्री का क्या मिला है, इस पर सब्जी विक्रेता जगदीश बताते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्य के लिए चाहे कुछ भी किया हो, अपने समुदाय विशेष के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो फिलहाल तमाम बातें जो है वो यहाँ पर कही जाती है, लेकिन आपको बता दें कि मात्र 300 रुपये आपको महीने का किराया देना है। उसमें आपको एक जगह मिल जाएगी सब्जी बेचने के लिए, पंखा, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब मुफ्त रहेगी आपके लिए। अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए जब सरकार से उम्मीद उन लोगों को नहीं है तो अपने समाज से उम्मीद कर रहे हैं और वो उम्मीदें पूरी भी हो रही हैं।